नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस जैसी बीमारी के केस देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोविड अपना कहर बरपा रहा था, फिर ब्लैक फंगस और अब व्हाइट फंगस के इन्फेक्शन का भी डर है। जानिए आखिर क्या है ये नया इन्फेक्शन। इस फंगस को मेडिकल भाषा में कैंडिडाइसिस कहते हैं। ये इन्फेक्शन आपके शरीर के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। इस इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा केसेस में ओरल इन्फेक्शन देखा गया है, जो कि आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। आइए जानते हैं व्हाइट फंगस का खतरा किन मरीजों में सबसे ज्यादा होता है। ऐसे इंसान जिनका इम्यूनिटी सिस्टम खराब होता है, या ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा स्टेरॉइड ले रहे हो, ऐसे लोगों में व्हाइट फंगस का खतरा ज्यादा हो सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज है, उन्हें भी व्हाइट फंगस का खतरा ज्यादा है। व्हाइट फंगस मुंह और मस्तिष्क को ज्यादा प्रभावित करता है। व्हाइट फंगस से होने वाले लक्षण क्या क्या होते हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। अगर आपको अपने मुंह में सफेद परत दिखाई दे, या किसी को लगातार बुखार आ रहा हो और एंटीबायोटिक दवा लेने के बाद भी सुधार ना हो, तो उसे भी व्हाइट फंगस का खतरा हो सकता है। आपको अनावश्यक स्टेरॉइड लेने से बचना चाहिए। अपने शुगर लेवल की जांच करते रहें। लगातार सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।